स्नान करा सकते हैं आप। तो मैंने ये साफ जल डाल दिया है और अब मैं डाल लूंगी जल के अंदर गुलाब जल डाल लूंगी थोड़ा सा, इससे खुशबू भी अच्छी आती है और ठंडा भी होता है गुलाब का जल। तो अब अच्छे से स्नान करा देंगे, जो भी दही वगैरह इनको लगा हुआ लड्डू गोपाल जी को चंदन वगैरह अच्छे से साफ कर देंगे इनका। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है कि जब ज्यादा गर्मी है तो आप लड्डू गोपाल जी को कैसे वस्त्र पहनाए, किस तरह से उनके टॉवल से और अच्छे से पोंछ लेंगे। गोपाल जी को थोड़ा सा पाउडर, क्योंकि ठंडा होता है तो मैंने ये वाला पाउडर ले लिया है कूल कूल जो है, तो थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे पाउडर, जैसे हम भी लगा लेते हैं बच्चों को लगाते हैं अपने, नहीं तो आप इत्र भी लगा सकते हैं, अगर इत्र है तो आप इत्र लगा लें। तो मैं थोड़ा सा पाउडर लगा दूंगी लड्डू गोपाल जी को। गुलाब जल भी ठंडा होता है तो आप ये भी लगा सकते हैं। कैसी ड्रेस पहनाती हूँ आप ये देख सकते हैं, ये मैंने घर में बनियान बनवाए हुए हैं इनके कॉटन के, और ये है लंगोटी, ये दोनों चीज। तो डेली में मैं ज्यादातर, मैंने काफी वीडियो में बताया भी है कि डेली में मेरा जो श्रृंगार होता है लड्डू गोपाल जी का, मैं यही कपड़े पहनाती हूँ और इनको कोई हैवी ज्वेलरी नहीं पहनाती हूँ, तो मैं यही पहनाऊंगी। या फिर आपके पास अगर ये सिंपल वाली जो फ्रॉक होती है आप कॉटन की ये भी बनवा सकते हैं, जैसे अभी लड्डू गोपाल जी ने पहनी हुई थी, तो आप कॉटन की, क्योंकि इसमें कोई वर्क नहीं है, प्रिंटेड है ये, तो मैं प्रिंटेड ही पहनाती हूँ ज्यादातर डेली में कपड़े, वर्क के नहीं पहनाती हूँ। अगर लड्डू गोपाल जी को कहीं जाना होता है या फिर कोई त्योहार होता है या एकादशी होती है तभी मैं इनको ज्यादा ज्वेलरी वगैरह तभी पहनाती हूँ, वरना तो मैं इनको ये सिंपल ही कपड़े पहना देती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी पहन लेंगे निक्कर बनियान, और इसमें ये काफी कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि एक तो कॉटन की है और बहुत ही हल्की।